नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। भारत ने हाल ही में प्रमुख दलहन किस्म के आयात के लिए रूस और कजाकिस्तान के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करने का फैसला किया है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से देश आपूर्ति की भारी कमी का सामना कर रहा है। भारत ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के प्रयास में दालों की आपूर्ति करने वाले देशों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करने का निर्णय किया है। कपास की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा उन कपास उत्पादक किसानों को मिल रहा है जो महाराष्ट्र की मंडियों में कपास का भाव 14,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छू गया है। गुजरात की जामनगर मंडी में कपास का भाव 12,110 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं हरियाणा की रोहतक मंडी में कपास का भाव 9,540 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। रबी मार्केटिंग सीजन 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं की खरीद जारी है। अब तक 5 राज्यों से 180 लाख टन मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। गेहूं खरीद पूरा हो गया है, इससे करीब 17 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और उन्हें 36,412 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। भारत सरकार ने पिछले सप्ताह गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले से मध्य प्रदेश और पंजाब में भारी आक्रोश है। किसानों और व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार उन्हें ज्यादा दाम मिलने से रोक रही है। देश में खाद्य तेलों की महंगाई आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ रही है। वहीं ICAR के सहायक महानिदेशक ने बताया कि भारत फिलहाल अपनी जरूरत का करीब 60% खाद्य तेल आयात कर रहा है, जिस पर देश को 1.17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने के अपने फैसले में सरकार ने थोड़ी राहत दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप को जांच के लिए कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई को या उससे पहले उनके सिस्टम में पंजीकृत कर लिया गया है, उन गेहूं के खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG की कीमतों में 2 रुपए किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली NCR में CNG की कीमत अब 71.61 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 73.61 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत आज 50,297 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गई है। इसी प्रकार चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। चांदी की कीमत 60,961 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई है। इस समय कपास का मौसम अपने अंतिम चरण में है। सीजन की शुरुआत से कपास की कीमतों में तेजी का रुझान है जो अंतिम चरण तक जारी है। वर्धा में कपास 14,370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। कपास उत्पादन में गिरावट के बावजूद कपास की रिकॉर्ड तोड़ दर से किसान उत्साहित है। महाराष्ट्र में प्याज उत्पादन किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्याज की कीमतों में गिरावट जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान अब अपना प्याज मुफ्त में बांटने की ही बेहतर समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस समय प्याज 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। कई किसान कम कीमत पर प्याज बेचने को मजबूर हैं। बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं आगामी गुरुवार से देश में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग IMD के अनुसार 19 मई से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में नए सिरे से लू चलने की संभावना है। हालांकि आगे चलकर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जाएगी। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।